हेलो फ्रेंड्स, RHEL6 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये ग्रेप कमांड सीरीज का फोर्थ वीडियो है और इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू डिस्प्ले एन लाइंस आफ्टर मैच, यानी कि जिस लाइन से आपका पैटर्न मैच हो रहा हो उस लाइन के बाद में आपको गिवन नंबर ऑफ लाइंस भी प्रिंट करवाना है। तो कैसे करते हैं वो इस वीडियो में सीखेंगे। तो उसके लिए ग्रेप कमांड का सिंटैक्स इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले आपको लिखना है ग्रेप कमांड, उसके बाद में हाइफन कैपिटल ऑप्शन, और उसके बाद में नंबर, यानी टोटल नंबर, आपको टोटल कितनी लाइन आपको प्रिंट करवानी मैच के बाद में वो नंबर यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद में वो पैटर्न या वो स्ट्रिंग लिखना है जो आपको मैच करवाना है, और उसके बाद में उस फाइल का नाम लिखना है जिससे वो स्ट्रिंग या पैटर्न आपको मैच करवाना है। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम उस फाइल का कंटेंट चेक कर लेते हैं, गेट माई फाइल डॉट txt, जिससे हमें ये मैच करवाना है। तो उस फाइल का कंटेंट प्रकार है, बहुत सारे लाइन्स अवेलेबल है इसमें। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जिस लाइन में बनाना स्ट्रिंग मैच हो उस लाइन के बाद में मुझे दो लाइन प्रिंट, उसके बाद की दो लाइन मुझे प्रिंट करवानी, तो कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना है ग्रेप कमांड, उसके बाद में हाइफन, फिर कैपिटल ए, फिर उसके बाद में टू, और उसके बाद आपको वो पैटर्न लिखना है जो आपको मैच करवाना है। तो मुझे बनाना मैच करवाना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ बनाना, और उसके बाद में उस फाइल का नाम लिखना है जिससे आपको ये पैटर्न मैच करना है। तो देखिए ये बनाना स्ट्रिंग यहाँ पे मैच हुई, उसके बाद इसे दो लाइन प्रिंट कर रहा है, उसने फिर से यहाँ पे बनाना स्ट्रिंग मैच हुई, उसके बाद की दो लाइन आपको डिस्प्ले कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि तीन लाइन प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस प्रकार लिखना पड़ेगा, यहाँ पे तीन लिखना पड़ेगा। तो देखिए तीन लाइन प्रिंट करके दे रहा है, बनाना, उसके बाद कोकोनट, कस्टर्ड एप्पल, और उसके बाद फिग। तो इस वीडियो हमने सीखा कि जिस लाइन में हमारा मैच हो रहा हो उस लाइन के बाद में गिवन नंबर ऑफ लाइन्स कैसे प्रिंट करवाते हैं वो इस वीडियो हमने सीखा है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।